तो जरा तुम लोग एक बार मेरी ये वाली गाड़ी देखो, ये एक नॉर्मल सी पुरानी सी गाड़ी थी गाइज, जिसको मैंने भाई फुल एकदम खर्चा वर्चा करके अपग्रेड करवाया और अभी ये एकदम बहुत ही ज्यादा तगड़े लेवल की बढ़िया सी गाड़ी बन चुकी है। और इसके एग्जॉस्ट वेग्जॉस्ट भी एकदम परफेक्ट है, ड्रिफ्ट भी बढ़िया लग रही है और गाड़ी का लुक भी गाइज बहुत ही तगड़ा है यार। फिलहाल मैं इस गाड़ी को लेकर जा रहा हूँ पलीटो बे, एक्चुअली मैं मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है और उसी के लिए जा रहा हूँ मैं, तो फटाफट से निकलते हैं पलीटो बे की तरफ। वैसे ये जो रास्ता है ना भाई, ये वाला इलाका, यहाँ पर कभी कभी लगता है कि मुझे अपना घर छोड़ के इधर एक आध घर लेकर शिफ्ट हो जाना चाहिए। सीरियसली मैं, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है इधर। अब जैसे इधर जिन बंदों के घर है, जैसे ये वाला, सुबह सुबह उठते होंगे भाई समुद्र दिखता होगा, कितना ब्यूटीफुल एकदम सी फेसिंग घर है। इधर इधर कभी ना कभी तो लेना पड़ेगा अपने को घर, बट अभी फिलहाल मैं अपने दोस्त के घर जाऊँ यार, उसके घर आज बर्थडे पार्टी है, मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ। गाड़ी को जरा फुल रफ्तार में भगाते हैं। देखो भाई, माना कि ये गाड़ी थोड़ी पुरानी है, बट मैंने इतना खर्चा करवाया है गाइस, इसको इतना बढ़िया अपग्रेड करवाया है कि बहुत ही ज्यादा तेज भाग रही है। कहीं मोड़ ना हो तब भी मैं ये देखो फुल स्पीड में अच्छी खासी तरीके से मोड़ सकता हूँ। थोड़ी बहुत ठुक जाती है, वो तो मेरी सारी गाड़ियाँ ठुकती रहती हैं। लेट्स गो फुल स्पीड, कम ऑन फास्ट। अबे एक सेकंड, पीछे क्या था वो? पीछे कोई गाड़ी पड़ी हुई थी क्या? अबे एक सेकंड, अबे हाँ यार, ओहो हो, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है लगता है। वेट 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 वेट, कैसे कैसे हो गया ये? किसका एक्सीडेंट हो गया भाई? पता नहीं, जरा चल के देखते हैं एक बार। अबे अरे भाई, हेलो हेलो भाई साहब, क्या हुआ आपको? एक्सीडेंट हुआ है, ठीक हो? हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ेगा, चोट वोट लगी है? हेलो, एक सेकंड गाइस, एक बंदा यहाँ पर पड़ा हुआ है, शायद इसी का एक्सीडेंट हुआ है, जरा इससे बात करते हैं। हेलो सर, हेलो बुड्ढे भाई साहब। अरे हेलो सर, आगे आगे तो बताओ। एक सेकंड, ये टपक गया क्या? ओके गाइज, ये बंदा फिलहाल अभी सिर्फ और सिर्फ बेहोश है, मुझे फटाफट से इसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। बट जो इसने मुझे बात बताई है भाई बेहोश होने से पहले, वो सुन के भाई तुम लोग भी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से चौंक जाओगे गाइज, वो बाद में अभी तुम लोगों को बताता हूँ, पहले इसको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, इसकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस है। एक सेकेंड, जल्दी से ओके लेट्स गो, गाड़ी पे रखते हैं इस बंदे को। अरे यार, जल्दी। ओके गाड़ी पे फिलहाल मैंने रख दिया है, आई होप बस ये गिरे ना भाई वहां से। ओके नाइस, बहुत ही बढ़िया, आराम से। और यार कैसे निकालूं यहाँ से गाड़ी? अच्छा हाँ, यहाँ से निकाल लेता हूँ ना, बीच की तरफ से। अभी निकलते हैं गाइस। अबे इधर बंदे पार्टी कर रहे हैं, इनका ध्यान नहीं गया वहाँ पे? अरे यार, ये लॉस सैंटोस के बंदे भाई बिल्कुल ही मतलब ही हो गए हैं। बताओ यार, यहाँ पर पार्टी चल रही है, वहाँ पर एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, फटाफट से मैं निकलता हूँ गाइस इस बंदे को लेकर हॉस्पिटल, और रास्ते में मैं तुम लोगों को बताता हूँ सीन क्या हुआ है। देखो गाइस, जैसे मैं इस बंदे के पास गया ये चेक करने के लिए बंदा ठीक है क्या हुआ है पूछने के लिए, तो इस बंदे ने मुझे बताया कि इसका एक सीक्रेट बेस कुछ करके है एक आइलैंड पर। तो मैंने पूछा भाई कहाँ, कौन सा आइलैंड पर, और ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? तो ये कह रहा है कि भाई ये बंदा अकेला है, इसका कोई भी नहीं है, और इसका एक आइलैंड है, आइलैंड छोटा सा है गाइस, और वहां पर इसका एक बेस है, उस बेस में इसने काफी सारे अपने पैसे छुपा के रखे हैं। ये मान लो तुम लोग इसके पूरे जीवन की कमाई है उसमें, पूरी जिंदगी में जो भी कमाया इसने सारे पैसे उस बेस के अंदर रखे पड़े हैं। और ये कह रहा है कि उस बेस के बारे में कुछ गुंडों को पता चल गया था। अब ये हो सकता है लॉस गैंग वाले हो, चाहे कोई सी गैंग के मेंबर हो सकते हैं, बट ये कह रहा है कि उन बंदों को पता चल गया और वो सब बस टूट चुके हैं इसके आइलैंड को ढूंढने के लिए और इसके बेस में से वो पैसे निकालने के लिए, और ये जा रहा था पुलिस वालों से हेल्प मांगने के लिए, और तभी रास्ते में इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अब इसी इसने ये सारी बात मुझे बताई है, और ये कह रहा है कि तुम जाकर पुलिस में फटाफट से कह दो, और ये सब कहने से पहले ही और लोकेशन बताने से पहले ही ये बंदा बेहोश हो गया यार। बट इसने मुझे इतना बताया कि गवर्नमेंट फैसिलिटी के आसपास किसी आइलैंड पर इसका बेस है, तो हम लोग चल के जरूर देखेंगे गाइस उधर, पर उससे पहले जरा इसे फटाफट से हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं यार। लेट्स गो, ये रहा लॉस सैंटोस पिलबॉक्स हिल मेडिकल सेंटर, एंड हियर वी गो। चलो भाई साहब, एडमिट कर लो फटाफट। तो अभी मेरी डॉक्टर से बात हुई है गाइस, और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि भाई इसे ठीक होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, और ये भी कह रहे हैं कि कोई फिक्स नहीं है भाई कि ठीक हो जाए कि नहीं, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ी से चोट लगी है। फिलहाल ये वाले भाई साहब पता नहीं अब उठ पाएंगे कि नहीं, लेकिन अब मैं क्या करूं यार, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। पहली बात तो देखो गाइस, ये जैसे इसके कपड़े वगैरह हैं, चड्डी और फटी पुरानी शर्ट है, ऐसा देख के लगता तो नहीं है कि इस बंदे के पास कोई
आइलैंड वाइलैंड होगा, उस आइलैंड पे बेस होगा और बेस के अंदर काफी सारे पैसे होंगे। बट हो भी सकता है यार, ऐसे ही क्या पता गाड़ी चलाता हो ये ऐसे ही नॉर्मल से कपड़े पहन के, कुछ भी हो सकता है देखो भाई होने को तो। बट अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। ये बंदा मेरे को तो बता के बेहोश हो गया भाई कि मेरा बेस है और मैं पुलिस वालों के पास जा रहा था, बट मैं क्या करूं अब? मैं अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाऊं या फिर इसके बेस को बचाने के लिए जाऊं? क्योंकि देखो भाई, मैं जहां तक लॉस सैंटोस की पुलिस वालों को जानता हूं, उन्हें पता चलेगा सीक्रेट बेस के बारे में तो वो इसके सारे पैसे भी रख लेंगे, सीक्रेट बेस को भी पूरा वो लोग सील कर देंगे, तो पुलिस के पास जाने का तो कोई मतलब बनता है नहीं। तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा यार। सबसे पहले तो देखो गाइस, इसके आइलैंड को ढूंढना पड़ेगा कि आइलैंड कहां पर है, वो गवर्नमेंट फैसिलिटी के आजू बाजू कौन सा आइलैंड है और उस आइलैंड पे बेस कैसा है, अंडरग्राउंड बेस है, ऊपर ही बेस है, कैसा बेस है। जहां तक इसकी बातों से लग रहा है, मुझे लग रहा है अंडरग्राउंड बेस होगा। तो अंडरग्राउंड बेस के अंदर पैसे कहां पर रखे हुए हैं, वो पैसे मुझे लाकर इस भाई साहब को देने पड़ेंगे जब ये होश में आएगा। डॉक्टर क्या लगता है कितनी देर में होश में आ जाएगा? यार डॉक्टर को तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है, डॉक्टर तो कह रहे हैं भाई काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। अब मैं क्या करूं? चलते हैं जरा बाहर सोचेंगे अभी फिलहाल, पहले बाहर चलते हैं, लेट्स गो गाइस। अब तय मुझे करना है कि करना क्या है। या तो मैं अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा सकता हूँ और इस बंदे के साथ जो भी होगा मैं उससे मतलब नहीं रखूंगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस बंदे ने जो भी मुझे बताया है उसको समझ के और मैं इसके बेस को बचाऊंगा, ऐसा भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है यार क्या करना चाहिए। अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाऊँ क्या, या फिर इस बंदे के पैसे बचाऊँ जो इसके आइलैंड पे है? बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हूँ मैं, क्या किया जाए, आखिर किया क्या जाए। अबे रात के टाइम भी बंदे इधर उधर भटकते रहते हैं, चैन नहीं आया भाई लॉस सैंटोस के बंदों को भी। अबे यार मैं क्या करूँ सीरियसली, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ इस वक्त। लेट मी थिंक गाइस, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं जा सकता हूँ अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में, या तो मैं इस बंदे के उस बेस पे जा सकता हूँ और बचा सकता हूँ इसके पैसे, इसके पूरी जिंदगी की कमाई को। क्या किया जाए, छोड़ो यार मैंने डिसाइड कर लिया, छोड़ो दोस्त की बर्थडे पार्टी। अरे उसकी बर्थडे पार्टी तो हर साल आती रहती है और वैसे भी कल चला जाऊंगा, क्या ही बुरा मान लेगा वो। इस बंदे के जो बेस है उसको बचाते हैं आज पहले। यस गाइस ये सही डिसीजन है। मेरे पास देखो भाई दो रास्ते थे, या तो मैं अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा सकता था या जो ये जो बुड्ढे भाई साहब थे इनके बेस पे रखे हुए पैसों को बचा सकता था। मैंने डिसाइड किया है मैं इनके बेस पे रखे हुए पैसों को बचाऊंगा। यस गाइस, पैसे बचाना इज इम्पॉर्टेंट। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो सबसे पहले तो मैं अपने घर जाने वाला हूँ, घर पे इस गाड़ी को रख के आने वाला हूँ। क्योंकि जितना इस बंदे ने बोला था यार, इसकी बातों से लग रहा था कि पैसे काफ़ी सारे हैं, थोड़े बहुत पैसे नहीं हैं। तो मुझे सबसे पहले एक वैन का जुगाड़ करना पड़ेगा और वैन को ले जाके मुझे उस आइलैंड तक पहुँचना पड़ेगा, और आइलैंड तक पहुँचना पड़ेगा उन गैंग से पहले। क्योंकि अगर वो गैंग मेरे से पहले पहुँच गई आइलैंड पे, फिर तो भाई साहब यार बहुत सारे तगड़े वाले पंगे हो जाएंगे। इसलिए उस गैंग वगैरह से पहले मुझे पहुंचना होगा और देखते हैं आगे क्या होता है। पहले मैं घर जाता हूं। यस गाइस घर चलते हैं और वैन का इंतज़ाम करते हैं फटाफट। लेट्स गो, लेस्टर से बोल के वैन का इंतज़ाम करवा लेता हूं। हाँ ये ठीक रहेगा। चलो भाई चलो 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 चलो, घर पहुंचने वाले हैं। और ओह सॉरी सॉरी बाइकों वाले भाई साहब। ओके ओके फाइनली आ चुके हैं अपने घर। और लेस्टर को ज़रा कॉल करके गाइज मैं बोल देता हूँ भाई कि एक वैन का इंतज़ाम कर दे वो। ओके गाइज, लेस्टर बोल रहा है वैन का इंतज़ाम हो जाएगा कुछ ही देर में, आधा एक घंटा बोला है उसने। तो लेस्टर के घर निकलते हैं फटाफट। अबे तो फिर मैं घर पे क्यों आया, डायरेक्ट लेस्टर के घर ही निकलना चाहिए था। लेकिन यार उसकी गली में चोरियाँ बड़ी होती है, मेरी गाड़ी चोरी हो गई तो नहीं नहीं लेस्टर के घर ऐसे नहीं जा सकता मैं। वेट अ सेकेंड, लेस्टर के घर में अपनी गाड़ी लेके नहीं जा सकता, दूसरे की गाड़ी तो लेके जा ही सकता हूँ। हमारे पड़ोसी की ऑडी किस दिन काम आएगी भाई। लेट्स गो लेस्टर, आ रहा हूँ मैं वैन ले जाने के लिए। चलो 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 गाइस। वैसे अगर तुम लोगों को गाइस समझ में नहीं आ रहा है कि भाई सीन क्या हुआ है, आखिर में वो बंदा है कौन, भाई मेरे को भी नहीं पता वो बंदा है कौन। बस इतना पता है कि वो बंदे के पास एक आइलैंड है छोटा सा, उस आइलैंड पर उसका खुद का एक बेस है और बेस के अंदर काफी सारे पैसे हैं। उस बेस के बारे में कुछ गैंग वालों को पता चल चुका है, जिन गैंग से बचाने के लिए वो पुलिस के पास जा रहा था और तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अब मैं बचाने वाला हूँ उसके बेस को, क्योंकि मुझे पता है पुलिस को बता के कुछ फायदा होने वाला है नहीं। तो अब मैं बचाऊंगा उसके बेस को, कैसे देखते जाओ तुम लोग। लेस्टर, लेस्टर मेरे दोस्त, लेस्टर मेरे भाई, आ गया हूँ मैं। भाई लेस्टर एक
ऐसा बंदा है ना भाई, आधी रात को बताओ उसको वैन का जुगाड़ करने के लिए बोला, वैन का जुगाड़ कर दिया भाई, आधी रात में उसने वैन का जुगाड़ कर दिया भाई। अलग ही बंदा है यार लेस्टर भी। ये देखो यही है क्या वैन? ओ वो रहा लेस्टर, भाई लेस्टर यही है वैन भाई। यस बोल रहा है ये तो, इसकी वैन उठा लाया भाई ये तू। लेस्टर भाई कहाँ से वैन मिल गई तुझे? कॉबॉय मैकगिल ऑल्सन कंस्ट्रक्शन, किसी कंस्ट्रक्शन वाले की वैन है। अरे छोड़ो यार, अपने को वैन मिल गई, बस बात खत्म। थैंक यू यार लेस्टर, थैंक यू फॉर ऑलवेज हेल्पिंग मी, थैंक यू। चलो भाई लेस्टर को थैंक यू तो बोल दिया, अभी निकलते हैं। वैन लेके निकलते हैं अच्छा खासा, मैं बढ़िया कपड़े पहन के यार अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहा था। रास्ते में वो बुड्ढे भाई साहब मिल गए, अब उनके बेस को बचा रहा हूँ मैं। चलो कोई नहीं, देखते हैं कितने पैसे हैं आखिरकार उनके बेस पे। 2, 4, 10, 20, 30, 40 करोड़ बस इतने ही होंगे, और इससे ज़्यादा क्या ही होंगे। निकलते हैं गाइज यहाँ से गवर्नमेंट फैसिलिटी वाले इलाके की तरफ और ढूंढते हैं उधर किस आइलैंड पे है उस वाले भाई साहब का बेस। अरे एग्जैक्ट लोकेशन बताने से पहले यार वो बेहोश हो गया, डॉक्टर्स कह रहे हैं पता नहीं अब वो होश में कब आएगा, इसलिए अब बैठ के इंतज़ार तो नहीं कर सकता मैं, तो अब खुद ही ढूंढना पड़ेगा। चलो देखते हैं कहाँ पर मिलता है उसका बेस। ऐसे गाइज अभी तक तुम लोगों ने यार वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करो। यस गाइज अभी कभी जाओ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड इंस्टाग्राम एंड एक्स पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो करो गाइज, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं निकलता हूँ उस बेस पर, उस आइलैंड पर। ले भाई अब इसको तोड़ना पड़ेगा। चलो गवर्नमेंट फैसिलिटी कितनी दूर है यहाँ से? पहुँचने ही वाला हूँ शायद गवर्नमेंट फैसिलिटी। अबे यार लेकिन आइलैंड तक पहुँचने के लिए तो भाई तगड़ी ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी, इस वैन के बस की है ऑफ रोडिंग? देखते हैं। फिलहाल ये मैं पहुँच गया गवर्नमेंट फैसिलिटी, अब यहीं पर आजू बाजू कोई आइलैंड होगा जिस आइलैंड पे गाइस उस बंदे का बेस होगा। लेट्स सी कौन सा है आइलैंड और कहाँ पर है उस बंदे का बेस। सुबह हो चुकी है गैज, और गवर्नमेंट फैसिलिटी पीछे ही है जस्ट, और इधर के इलाके के जितने भी आइलैंड्स हैं, जितने भी टापू हैं, उन्हें देखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और हर एक एक आइलैंड पे तो जाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा भाई, क्योंकि मेरे पास बोट वगैरह कुछ भी नहीं है। बोट मिलती है तो मैं जाऊँगा पर्सनली हर आइलैंड पे, बट मैं अपने फ़ोन के कैमरा से जूम करके चेक कर रहा हूँ कि किस आइलैंड पे क्या है। फिलहाल इस आइलैंड पे तो एक भी बंदा नज़र नहीं आ रहा है, ना ही कोई सीक्रेट बेस ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन एक सेकेंड, सीक्रेट बेस होगा तो वो नज़र क्यों आएगा? अरे लेकिन हाँ, सीक्रेट बेस की एटलीस्ट ओपनिंग तो नज़र आएगी गाइस। इस आइलैंड पे तो नहीं है ये तो यार, ये तो काफ़ी दूर पड़ रहा है आइलैंड। वो क्या है पता नहीं, वो सूरज निकल रहा है उधर से। अरे यार एक 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 बोट का जुगाड़ हो जाता तो ठीक रहता। वैसे मेरे पास वेपन्स गए ज़्यादा नहीं है, फाइट अगर मान लो किसी गैंग वैंग से करनी पड़ गई, क्योंकि देखो भाई ऑब्वियस सी बात है मेरे को तो बाद में पता चला उस बेस और उस आइलैंड के बारे में, और कुछ गैंग वालों को तो पहले से ही पता चल गया था जिनके बारे में भाई साहब वो बुढ़ा बात कर रहा था। इसका मतलब वो गैंग वाले ऑलरेडी जा चुके होंगे उस आइलैंड पे। देखते हैं कहाँ पर है वो आइलैंड। पता चला गैंग वाले यार मेरे से पहले उसका बेस लूट के भाग गए होंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, बट एटलीस्ट मैं ट्राई तो कर सकता हूँ उन्हें रोकने का। यार बोट ही नहीं मिल रही है यार, कौन से आइलैंड पे? आइलैंड तो बतेरे हैं इधर भाई साहब, कितने आइलैंड हैं यहाँ पे, छोटे बड़े बहुत सारे आइलैंड से गैस हल्के में नहीं ले सकते यार। गवर्नमेंट फैसिलिटी का इलाका ये बहुत ही अजीबो गरीब है, दूर दूर तक कुछ नजर भी तो नहीं आ रहा। सुबह हो गई, सूरज निकल गया गैस। कितने बज गए भाई? ओ 7 बजने वाले हैं थोड़ी देर में। एक बोट भी नहीं है, ये क्या है? अरे यार ये तो वो क्वाड बाइक है, पे भी नहीं जा सकती। कोई बोट चाहिए मुझे छोटी सी जेट्स की, या फिर कोई बड़ी सी बोट। ओ नो वैन नहीं, वैन को भिगाना नहीं है भाई, इसी के अंदर तो पैसे रख के लाऊंगा मैं, मिल गए तो। अरे यार कितने आइलैंड्स, कितने हैं यहाँ पे, और बोट नहीं मिल रही है एक भी। आइलैंड्स इतने सारे हैं, एक बोट का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है यार। अबे लेस्टर से बोलूं क्या बोट के लिए भी एक लगता तो है? पहले तो बोट मिलेगी गाइस तो पीछे के भी आइलैंड्स चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने ढंग से चेक थोड़ी ना किया है। यहाँ पर एक केव टाइप का इलाका है लेकिन बोट नहीं है, कहाँ मिलेगी बोट? इधर से घुमा के ले जाना पड़ेगा वैन को। भाई वैन तो बढ़िया ऑफ रोडिंग कर रही है लेस्टर ने, सही वैन ढूंढ निकाली यार। हिरन भाई कोई बोट वोट दिख रही है तो बता दे यार। ओए वेट, ओ सच में हिरन भाई ने हेल्प कर दी, थैंक यू हिरन भाई, डियर भाई थैंक यू। अब लिटरली में यार ये तो मेरे को बोट के पास लेके आ गया। ओके
एक एक बोट ले लेते हैं जल्दी से, ये रेड वाली ले लेते हैं। चलो चल मेरी बोट, कम ऑन जेट स्की, थोड़ा सा आगे, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। और ये आ गए पानी के अंदर। हमें फटाफट से गए जितने पीछे आइलैंड्स छूट गए हैं उनको चेक करके आता हूँ, क्योंकि ये हम लोग फैक्ट्री के पास पहुँच गए हैं। और उन वाले बुड्ढे वाले भाई साहब ने बोला था कि गवर्नमेंट फैसिलिटी के आजू बाजू किसी आइलैंड पर है, तो गवर्नमेंट फैसिलिटी तो देखो गए उधर है, और वहाँ के आइलैंड्स पर एक बार चेक करके आते हैं। मैं बोट का जुगाड़ कर रहा था, फाइनली मिली गई बोट। चलो चलो, इस आइलैंड पे तो कोई नज़र नहीं आ रहा है, खाली सा ही है पूरा आइलैंड। ये तो नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, सीक्रेट बेस ओपनिंग वगैरह कुछ भी ऐसा सीन नहीं है। एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं, ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे? ऑब्वियसली नॉट, नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है यहाँ पे भी। आगे एक बार क्विकली चेक कर लेते हैं, सारे आइलैंड्स देखने वाला हूँ मैं। नहीं, इधर भी कुछ नहीं है। चलो भाई चलते रहो, बहुत ही बढ़िया। इधर है क्या कुछ इस वाले आइलैंड पे? इस वाले आइलैंड पे भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। इधर क्या है गाइस, मैंने सारे आइलैंड्स चेक कर लिए गाइस, अब हम लोगों को उधर फैक्ट्री वाले भी देखने चाहिए। चलो चलो, नाइस, बहुत ही बढ़िया यार, क्या मस्त जेट्स की भाग रही है भाई, उड़ा रहा हूँ मैं तो जेट्स की, चला नहीं रहा बिल्कुल भी। ओ नो, पानी से बाहर जा रहा हूँ मैं, आराम से, बहुत ही बढ़िया। चलो फुल स्पीड, लेट्स गो। ओ नो, रुक जा मेरी जेट्स की, रुक जा। ओके आराम से। यार किस आइलैंड पे है उस बंदे का बेस? पागल तो नहीं बना रहा वो मेरा? ये क्या था? पता नहीं क्या था। किस आइलैंड पर है उसका बेस? वेट, वहां पर काफी सारे बंदे नजर आ रहे हैं यार मुझे, सामने वाले आइलैंड पर देखो। धीरे धीरे चलते हैं गाइस जरा। यस, काफी सारे बंदे हैं और वहां पर एक ओपनिंग भी है, पाइप है, एक पाइप हो सकता है वही हो बेस की ओपनिंग। जेटकी को गाइस इधर साइड में लगाते हैं, चलो आराम से यहाँ पे, और जरा इस पहाड़ पे चढ़ते हैं। ओके नाइस, आराम से आ जाओ भाई, आ जाओ। चलो भाई, चिड़िया बहुत उड़ रही हैं यहाँ पे। ओके, ये देखो गाइस, अबे ये तो किसी गैंग के मेंबर्स लग रहे हैं मुझे। कौन सी गैंग के मेंबर होंगे पता नहीं, जरा घास में छुप के देखते हैं गाइस। ओके, और बे यार मुंह पे मास्क बांध रखा है भाई इन बंदों ने, टैटू बना हुआ है हाथ पे, गन तो राइफल ले रखी है, और कुछ खास पता नहीं चल रहा है इनके कपड़ों से कि ये कौन सी गैंग के मेंबर हैं। छोड़ो, मुझे क्या मतलब, मेरे पास शॉटगन एंड पिस्टल है, अटैक कर दूं सीधा या फिर क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है इनके बंदे बेस के अंदर गए हो, पता नहीं, रुक जा, चुपके से इनकी बात सुनने की कोशिश करता हूं। चलो गाइस, चलो, लेट्स गो, इनकी बात सुनने की कोशिश करता हूँ इधर घासों के अंदर छुप के। चलो भाई, ओके गाइस, तो मैं इन बंदों की काफ़ी देर से बात सुन रहा हूँ, और ये बंदे बात कर रहे हैं कि भाई बेस के अंदर तो ये आराम से पहुँच पा रहे हैं, लेकिन बेस के अंदर कुछ लेवल्स बने हुए हैं जिन लेवल्स को क्रॉस करके पैसों के पास पहुँचा जा सकता है। वॉट, क्या लेवल्स बेस के अंदर? ये लोग कह रहे हैं लेवल्स क्रॉस करना हमारे बस की तो बात है नहीं, तो हमें पूरे के पूरे आइलैंड को ही खोदना पड़ेगा और फिर हम लोग पैसे निकालेंगे। बट मैं ऐसा होने नहीं दूंगा भाई, मैं चला इन पे गोलियां बरसाने। लेकिन एक सेकंड यार, बेस के अंदर लेवल्स कैसे बने होंगे? मुझे समझ में आ गया, ये जो बुड्ढा है भाई, जो अभी बेहोश पड़ा है हॉस्पिटल में, उसने क्या किया है, अपने जो पैसे हैं उसको ऐसे चैम्बर वैम्बर में बंद कर दिया है, और उसके बाहर ऐसे लेवल सेट कर दिए कि पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ये सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ये सॉल्व करना पड़ेगा, तब कोई उसके पैसों तक पहुंच सकता है। पासवर्ड टाइप समझ लो यार, तीन तरीके के पासवर्ड वगैरह लगा रखे होंगे उसने, तीनों पासवर्ड को डाला जाएगा तब भाई कोई उस बेस के अंदर एंटर कर सकता है, उसने ऐसा कुछ सीन सेट कर रखा है। अब इन बंदों को समझ में ही नहीं आ रहा है उन सबका पासवर्ड क्या है, तो ये लोग सोच रहे हैं कि ये आइलैंड को ही उड़ा देंगे, गड्ढा वड्ढा कर देंगे आइलैंड पे और फिर पैसे निकाल लेंगे। इनका भी तरीका सही है, बट इनका तरीका मैं कामयाब होने नहीं दूंगा गाइस, मैं इनको जा रहा हूँ गोलियों से अभी भून डालने, और उसके बाद इनको गोलियों से भूनने के बाद मैं खुद ट्राई करूंगा उन लेवल्स को ओपन करने का और फिर वहां से पैसे निकालने का। यस, चलो, मेरी जेट्स की कहाँ चली गई? वो देखो यार, मेरी जेट्स की कहाँ बह के चली गई, कोई बात होती है ये? ओके चलो, लेट्स गो इधर से इधर। अबे यार ऊपर कैसे चढ़ू आइलैंड के, मैं तो फिसल रहा हूँ। ओके नाइस, फिसल गया। ओके, घास के अंदर छुपा हुआ हूँ गाइस, ऊपर ही एक बंदा है और वो पूरे चौकन्ना वोकन्ना हो गए हैं, तेरी ऐसे की तैसे। ये ले, एक हेडशॉट में निपटा दिया। कहाँ है? आ जाओ सर जी, राइफल है गाइस इन बंदों के पास, तो गोलियों के मामले में तो ये बंदे मुझसे आ गए हैं, बट मैं एक बंदे की राइफल ला सकता हूँ। रुको, ओ नो नो, रुक जा, ये ले शॉट, हेड शॉट। ओके ले भाई हेड शॉट, ओके बहुत ही बढ़िया। किसी की राइफल, ओ नो, इसकी राइफल उठाते हैं, जल्दी दे, कहाँ लेके जा रहा है, राइफल दे ना, अबे कदे राइफल दे, अबे पानी में गिर गया नालायक, राइफल दे।
ओ वो रही उसकी राइफल। अरे यार पानी के अंदर गिर गई है। उठान 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 दो वेपन, वेपन ले दे। ओके अबे दे छोड़ ना यार वेपन भाई साहब, हाथ में ऐसे पकड़ रखा उसने, वेपन ही ना छोड़ रहा है वो। पानी के बाहर निकलते हैं फटाफट। कहाँ से निकलूँ मैं, इधर से निकलते हैं। गलत फंस गया गाइस, मैं लिटरली बहुत ज़्यादा गलत फंस चुका हूँ। एक सेकेंड, उन्हें लग रहा है पानी के अंदर ही हूँ मैं। ये ले चल चल निकल। ओके आओ आओ बेटा, तुम लोगों का इंतज़ार कर रहा हूँ। भाई हाइट के एडवांटेज तो है इनके पास, बट इस एडवांटेज का ये लोग फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं बिल्कुल भी। ये ले बेटा तू आ रहा है। ये ले ओ नो, नीचे से कोई गोली चला रहा है। ओहो क्या फाइट हो रही है ये, एकदम एज पे। ये ले, अरे यार मैं पिस्टल से क्यों फाइट करूं, मेरे पास शॉटगन में सिर्फ 40 गोलियां हैं। कोई बात नहीं, 40 में बहुत निपटा देंगे यार। ओके ये ले लौंडे। ओके शॉटगन मिस कर गया, नाइस। ओ आ रहा है ये ले एक और गोली ले, एक और बचा है गाइस, इसे भी टपकाते हैं। रुक जा बे, ओए मैं गिर रहा हूँ, रुक जा। बहुत ही बढ़िया, चलो सारे गए। ओ तू ठीक है बे, जिंदा है अभी। ये ले। ओके गाइस आई गेस मैंने सारे बंदे निपटा दिए, अब फटाफट से ऊपर चढ़ते हैं। चलो यार कितना फिसल रहा हूँ मैं इस पे। ओके नाइस, अबे फिर से गिर गया, फिर से फिसल गया। ओ कोई बच तो नहीं गया, बच गया तो भाई सामने आ जाओ फटाफट। हेलो, नहीं कोई नहीं बचा है। तो ये है गाइज इसके बेस की एंट्रेंस, एंड आई थिंक अभी ये टाइम आ चुका है कि हम लोग इसके बेस में एंटर करें। सो लेट्स गो। ओके आ चुके हैं भाई इसके बेस के अंदर। क्या है ये, कैसी कंजेस्टेड सी जगह है एक आइलैंड के नीचे। कितनी बड़ी जगह है ये, फिर व्हाट, एक आइलैंड के नीचे इतनी बड़ी जगह कौन बनवाता है। इतना बड़ा बेस बनवा रखा है इस बंदे ने, और वो क्या है। एक सेकेंड फोन के कैमरा से देखूंगा। रुको गाइस अभी पता चल जाएगा क्या है वो, लेट मी चेक। ओके ओके भाई पैसे कितने हैं, वो कितने सारे पैसे हैं भाई। मैं तो सोच रहा था 5, 10, 30, 40 करोड़ होंगे मैक्सिमम, ये तो मुझे लग रहा है 300-400 करोड़ हैं। भाई सब उस बंदे के पास 300-400 करोड़ थे। चलो फटाफट से लेकर निकलते हैं गाइस पैसे, लेट्स गो। अबे आगे क्यों नहीं जा पा रहा मैं, यहाँ पर कुछ है गाइस, यहाँ पर कुछ इनविजिबल सी वॉल है क्या। हेलो मैं आगे नहीं जा पा रहा है यहाँ से। हेलो अबे हाँ यहाँ पर एक इनविजिबल वॉल है। अच्छा हाँ, वो जो बाहर जो गुंडे खड़े थे वो बात कर तो रहे थे कि भाई अंदर कुछ लेवल्स वगैरह बने हुए हैं। ओके गाइस तो शायद वो लोग इसी लेवल की बात कर रहे होंगे। ये क्या है, एक स्क्रीन, एक वहाँ पे भी है एक स्क्रीन, एक वहाँ पे भी। अच्छा तीन लेवल्स हैं यहाँ पर गाइस, हमें पहले इस वाले लेवल को सॉल्व करना होगा, फिर ही आई गेस वॉल हट जाएगी। फिर जो दूसरा लेवल अंदर होगा उसके लिए यहाँ पर स्क्रीन है, उसे सॉल्व करना होगा, दूसरा लेवल हट जाएगा। और फिर उसके बाद तीसरी स्क्रीन है, उसके लिए तीसरा लेवल सॉल्व करना पड़ेगा, और आई गेस उसके बाद हम लोग पैसों तक पहुँच पाएंगे। उस बंदे के पैसे अगर बचाने हैं तो ये सब करना तो पड़ेगा ही गाइस। और आई गेस वो बंदे, वो जो बाहर गुंडे थे जिनको अभी टपका के आया हूँ, उनके बस की ये सब था तो नहीं, तो इसलिए उन लोगों ने सोचा कि ऊपर से ही वो गड्ढा करेंगे और डायरेक्ट पैसों तक पहुंचेंगे और ऊपर से खींच लेंगे। और उससे पहले ही मैं पहुंच गया और उन बंदों को ही ऊपर कर दिया। फिलहाल उनको छोड़ो भाई, मैं तो भाई ऊपर से गड्ढा करने जाऊंगा तो जिंदगी लग जाएगी, इसलिए यहां से सबसे पहले इन लेवल्स को सॉल्व कर करके हमें आगे बढ़ना होगा। तो सबसे पहला लेवल ये है, क्या करना है, कैसे सॉल्व होगा ये, क्या करना क्या है, इसको तोड़ने की कोशिश करनी है क्या। हेलो क्या करूं मैं, ओ यहां पे चढ़ के मैं ऊपर जा सकता हूं क्या। एक सेकेंड कम ऑन, नहीं यार नहीं यहाँ से चढ़ के तो डेफिनेटली नहीं जा सकता हूँ मैं। नहीं गाइस एक पल को लगा यार कि मैं चढ़ के चला जाऊँगा, बट ऐसा कुछ सीन नहीं है। कैसे पहला लेवल कैसे ओपन होगा, कहीं ये लाइट बल्ब्स फोड़ के है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो देखो गाइस ट्रिक होगी, ऐसा तो है नहीं कि बिना किसी ट्रिक के ये हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो ट्रिक्स होगी। नहीं अबे यार ये लाइट बल्ब्स ही नहीं फूटेंगे, क्या बल्ब्स हैं यार भाई, शॉटगन से भी नहीं फूटेंगे ये। नहीं इन बंदों की, बाहर गुंडों वालों की जो राइफल है उससे नहीं। कैसे, अगर ये स्क्रीन ही तोड़ दूँ तो मैं। हेलो वेट व्हाट, ये स्क्रीन टूट गई, नहीं क्या कैसे ओपन होगा, अगर मैं स्क्रीन ही उखाड़ दूँ तो। रुको गाइस इस स्क्रीन को उखाड़ता हूँ मैं, रुको कम ऑन। ओए वेट स्क्रीन कहाँ गई, स्क्रीन तो हट गई गाइस, और एक सेकेंड वॉल, यहाँ की वॉल भी हट गई यार। ओए मैं आगे जा पा रहा हूँ, यस यहीं पर एग्जैक्टली यहीं पर थी गाइस वॉल हट चुकी है, और फर्स्ट लेवल हम लोगों ने क्लियर कर लिया। ये मैं सेकेंड लेवल पे पहुंच गया और उस सेकेंड लेवल की स्क्रीन रही यहाँ पर। अरे वाह यार फर्स्ट लेवल सॉल्व कर दिया, मतलब टीवी को उखाड़ना था पता नहीं भाई, जो भी था मैंने तो सॉल्व कर दिया, स्क्रीन को ही उखाड़ दिया जड़ से, तो इसकी भी स्क्रीन उखाड़ दूं है। रुको अभी उखाड़ देते हैं इसकी स्क्रीन।
कम ऑन। नहीं यार, इसकी स्क्रीन नहीं उखड़ रही, मैंने काफ़ी गोलियां चला ली गाइस, इतनी गोलियों में उसकी स्क्रीन उखड़ गई थी। रुक जाओ, वॉल पे फायरिंग करता हूँ, ये जो इनविजिबल वॉल है। नहीं, यहाँ से नहीं जा पा रहा मैं कहीं से भी अंदर। कैसे 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 जाऊँ? मॉम्स वगैरह भी तो नहीं है। कुछ ना कुछ तो तरीका होगा गाइस। देखो भाई, फिर से अंदर जाने का। पिछले में तो मैंने स्क्रीन ही उखाड़ दी, बस वॉल भी हट गई उसके साथ साथ, पर यहाँ पर स्क्रीन नहीं हट रही है। तो वॉल को कैसे हटाऊं, कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो, यहाँ कोई साइड से ओपनिंग वगैरह है क्या, कोई सीक्रेट सी लग रहा है भाई। हेलो, जा सकता हूँ क्या यहाँ से कहीं से मैं? हेलो, क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा भाई लेवल 2 कैसे सॉल्व होगा। वो बुढ़ा तो होश में भी नहीं आया होगा जो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, वरना उससे ही पूछ लेता। क्या करूं फिर मैं, ये वाले बल्ब फूटेगा क्या? हेलो भाई, कुछ तो हो जा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है गाइस। कैसे लेवल 2 ओपन होगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेवल 2 टीवी उखड़ जाए यार, स्क्रीन भाई निकल जा। नहीं यार, ये वाली स्क्रीन नहीं निकल रही यहाँ से। ले, मेरी राइफल की गोलियाँ भी खत्म हो गई। कैसे कैसे हटेगी ये स्क्रीन? ऊपर ऊपर चला जाऊंगा क्या मैं? रुको, रास्ता तो है गाइस। वेट, आई कैन गो। ओके, रुको 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 रुको, वापस से, कम ऑन, चल निकल जा यार। नहीं निकल पा रहा मैं स्क्रीन के उस पार, स्क्रीन नहीं भाई वॉल के उस पार। साइड से कोई तरीका नहीं पता चल रहा भाई, मैं जा रहा हूँ घर वापस। एक सेकंड, ऐसे कैसे घर वापस जाऊँगा? जाऊँगा तो भाई उस बुड्ढे के पैसे लेके ही, और उस बुड्ढे को दूंगा ज़रूर। उसको पता तो चले कि उसने ये सारी बातें किसको बताई है, फ्रैंकलिन द मास्टर को। मास्टर, हाँ मतलब मास्टर ही हो गया यार। एक बार सारे चैलेंजेस सॉल्व कर दूँ फिर तो वो बंदा सच में मेरे को मास्टर कहेगा। लेकिन कैसे ओपन करूँ मैं ये? सेकंड लेवल ही नहीं ओपन हो रहा। फर्स्ट तो हो गया, सेकंड इतना मुश्किल है, थर्ड कैसे ओपन होगा? रुको गाइस, रुको, मेरे को एक आइडिया आया है, मेरे को एक ज़ोरदार आइडिया आया है। यहाँ से दौड़ते हुए जाऊँगा और जंप लगाऊँगा बहुत तेज, ठीक है? कम ऑन, लेट्स गो, फास्ट, लेट्स गो। आ गया, अबे मैं आ गया इस तरफ। हेलो, वेट, कैसे सेकंड लेवल कैसे सॉल्व हो गया? पता नहीं भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यार, अब ये थर्ड लेवल, अब ये कैसे सॉल्व होगा? बस इसको सॉल्व करना है गाइस, और बस हम लोग पैसों तक पहुंच जाएंगे। रुको, देखते हैं इस स्क्रीन का क्या है। ओके, यहाँ पर कोई नंबर डालना है गाइस, इस स्क्रीन पे कोई नंबर, कोई पासवर्ड डालना है, और उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। लेकिन क्या पासवर्ड हो सकता है, पासवर्ड क्या हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। पासवर्ड कैसे पता लगाऊं? एक सेकेंड, उस बुड्ढे से रिलेटेड कुछ पासवर्ड होगा ना, क्या रखा होगा बुड्ढे ने पासवर्ड? उसकी गाड़ी का नंबर। यस गाइस, रुको, फटाफट से जरा बाहर निकलते हैं और उसकी गाड़ी के पास चलते हैं। उसकी गाड़ी का नंबर, जल्दी से पहले उस पार चलते हैं। अरे यार, मेरी जेट्स की पता नहीं कहाँ चली गई, वो री तैर रही है। कोई बात नहीं, मैं पानी तैर के ही पार कर लूँगा। जल्दी से अपने वैन के पास चलते हैं, मेरी वैन उधर होगी। चलो, नाइस, फास्ट। ओके, पहुँच गया गाइस वैन के पास। अरे चल यार, थोड़ा फास्ट प्लीज़। ओके नाइस, वैन से निकलते हैं गाइस उस जगह पर जहाँ पर उस बुड्ढे का एक्सीडेंट हुआ था। वहीं पर गाड़ी मिलेगी, और गाड़ी की नंबर प्लेट से हम लोग नंबर उठा लेंगे, और वही आएगा इस पासवर्ड हो सकता है। चलो, लेवल 3 ओपन करने का भी तरीका मिल गया। फास्ट, कम ऑन। एक्सीडेंट वाली लोकेशन कौन सी थी? अरे वो नदी सी बह रही है, वहीं पर तो एक्सीडेंट हुआ था, यही है क्या? यस गाइस, यही तो है, ये तो नहीं उसकी गाड़ी पड़ी हुई है। फटाफट से इसका नंबर देखते हैं जल्दी से। अरे रुको, नंबर देख लें दो भाई। नंबर क्या है इसका? अब यार गाड़ी उल्टी पड़ी है, पहले तो गाड़ी को सीधा करने दो मुझे। अबे सब कुछ टूट गया गाड़ी में, कोई बात नहीं। नंबर है इसका 65LQY387। मैं काम करता हूँ, फोटो खींच लेता हूँ उसकी। ये रहा नंबर, क्लिक फोटो, फोटो गई क्लिक, सेव कर लेते हैं, निकलते हैं यहाँ से जल्दी से। चलो, जो गाड़ी का नंबर है गाइस, मुझे लग रहा है यही होगा पासवर्ड, और इस पासवर्ड को जैसे ही हम लोग डालेंगे लेवल 3 ओपन हो जाएगा, और उस बुड्ढे वाले भाई साहब के पैसों तक हम लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन भाई, जितने पैसे हैं मुझे नहीं लगता इस वैन में आ पाएंगे, मुझे एक पूरे ट्रक लेना पड़ेगा लगता है। 300-400 करोड़ तो होंगे वो। चलो, नाइस, फटाफट, छोड़ो ट्रक के बारे में बाद में सोचेंगे, अभी निकलते हैं पहले आइलैंड पे जल्दी। चलो, आ गया। ट्रेन व्रेन तो नहीं आ रही ट्रेन। चलो नाइस। अरे ये कहाँ मेरी वैन जा रही है? फटाफट से वो जो जेट्स की थी वहाँ निकलते हैं। वो रही ले भाई, मेरी लाल वाली जेट्स की देखो तैर के कहाँ आ चुकी है मेरी हेल्प करने के लिए। भाई साहब, बहुत ही बढ़िया लोकेशन पर आ गई है जेट्स की भाई। थैंक यू। फटाफट से अभी आइलैंड पर चलते हैं, बहुत ही बढ़िया।
ओके गाइस, हम लोग फटाफट से उस बंदे के पैसे निकालने वाले हैं सारे के सारे, और उस बंदे को सरप्राइज कर देंगे। वो लिटरली, मैं बंदा हॉस्पिटल में पड़ा होगा भाई, वो खुश हो जाएगा कि मैंने उसके सारे पैसे बचा दिए। चलो चलो, वरना तो ये गैंग वाले कब का लूट चुके होते हैं। यहाँ पे गड्ढा वो लोग करते और डायरेक्ट पैसे निकाल लेते हैं यहाँ से। बट मैंने इनको उड़ा दिया और उस बंदे के पैसे भी बचा दूंगा। नाइस 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 गाइस, अब फटाफट से उसका पासवर्ड डालते हैं, जो कि आई गेस डेफिनेटली गाड़ी का नंबर होगा। लेट्स एंटर दिस। और यहाँ पर लेवल 3 भी ओपन हो चुका है, वाओ भाई। और इसी के साथ हम लोग पैसों तक पहुंच चुके हैं। कितने पैसे हैं भाई उस बंदे के पास, ओ तेरी भाई। इसको ले कैसे जाना है, वैन में एक काम करते हैं भरते हैं। लेकिन वैन तो उस तरफ है, अब यार कैसे पैसे ले जाऊं मैं, ये जेट्स की पे एक एक ये बकेट रख रख के लेके जाना पड़ेगा। चलो गाइस, फटाफट से मैं ये सब करता हूँ और मैं तुम लोगों से मिलता हूँ डायरेक्टली ये वैन में पैसे रख लेने के बाद। लेट्स गो। सारे पैसे वैन में ट्रांसफर करने के बाद मैं एक बार देखने के लिए आया था भाई कोई एक नोट बच तो नहीं गया है, और मुझे ये पता चला कि नहीं भाई कोई नोट नहीं बच गया है, सारे पैसे मैं ले जा चुका हूँ। अभी फटाफट से उस वैन को लेकर चलते हैं हॉस्पिटल तक। आई गेस उस बुढ़े भाई साहब को अभी तक होश तो आया नहीं होगा, चलते हैं एक बार हॉस्पिटल। वैन मेरी पैसों से भरी हुई वैन में आ गया। ले भाई गिर गया मैं, चल मेरी वैन कमाल दिखा, फास्ट फास्ट चल, लेट्स गो लेट्स गो गाइस। वैसे गाइस अभी तक तुम लोगों ने यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इंस्टाग्राम एंड एक्स पर फॉलो करो। चलते हैं उन बुड्ढे वाले भाई साहब के पास। हेलो बुड्ढे भाई साहब, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपके बेस के सारे पैसे बचाए जा चुके हैं। वैसे कितने पैसे हैं, वो सब कुछ बचा दिया, गैंग वैंग से फाइट करनी पड़ी, आपके लेवल वेवल सॉल्व कर दिए और सारे पैसे लेकर आ चुका हूँ मैं यहाँ पर। भाई साहब ये बंदा मुझे अपने पैसों में से 25% देने को तैयार हो गया यार। इसके जो पैसे हैं गाइस वो टोटल 400 करोड़ है, और उस 400 करोड़ में से भाई ये 25% देने को तैयार हो गया मुझे, क्योंकि मेरी वजह से ही तो इसके पैसे बचे हैं, वरना तो वो गैंग वाले गड्ढा खोद के कब के पैसे ले जा चुके थे। बट मैंने गाइस इसके पैसे बचाए, इसीलिए प्राइस के तौर पे 25% जो कि होते हैं 100 करोड़। मजा आ गया यार, मजा ही आ गया। फिलहाल तो गाइस मुझे इन 100 करोड़ का क्या करना चाहिए तुम लोग कमेंट में जाकर बताओ। बाकी वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करके आपसे ऑन कर दे रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, गुड बाय।